नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बुलडोजर कानूनी कार्रवाई का वो साधन जिसे न अपील की जरूरत है और ना ही किसी दलील की। बुलडोजर जिसकी धमक देश भर में सुनाई दे रही है। यूपी से लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश से लेकर अब राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर से गिरा मलबा साफ नहीं हुआ कि अब राजस्थान में भी विकास के नाम पर बुलडोजर चलने लगा। लेकिन यहां माफियाओं और अवैध निर्माणों की जगहों पर नहीं बल्कि रास्तों को चौड़ा करने के लिए मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है। राजस्थान में कांग्रेस का बुलडोजर 300 साल पुराने मंदिर पर चला है। इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार को आस्था का अपराधी बता रही है। तमाम हिंदू संगठन और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर धर्मयुद्ध छिड़ चुका है। जहां दिल्ली में कांग्रेस के नेता बुलडोजर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, तो वहीं अब राजस्थान में खुद कांग्रेस बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहरा रही है। बुलडोजर भी अब दो दलों में बट चुका है। कांग्रेस का बुलडोजर बनाम बीजेपी का बुलडोजर, इस पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वोट की चाहत में कैसे बुलडोजर सियासी प्रयोग बन गया है। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी में जहां कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये संविधान के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ आज देखिए मामला अलवर से सामने निकल कर आया कि 300 साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया। और अब वहां पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को लेकर कह रही है कि बीजेपी की तरफ से ये कराया गया है। बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, घेर रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये कराया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कि बुलडोजर जो है वो संविधान से इतना ऊपर हो चुका है क्या। इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। विमल सिंह जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सर देखिए, ये सवाल सबसे पहला मेरा आप दोनों से ही होगा। ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर वाकई में संविधान से ऊपर हो चुका है, ये समझ नहीं आ रहा है आज जो अलवर में सामने निकल कर आया। आप दोनों से ये सवाल है क्योंकि वहां पर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। आप दोनों से ये सवाल सबसे पहले तो विमल सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए स्वाति आर्या जी, जिस तरीके से अलवर में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है, हिंदुओं की आस्था को तार तार किया गया है, ये बहुत गलत है। और ये राजस्थान की सरकार और कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम जो है एक ऐसे जात या एक ऐसे धर्म के साथ है। और आपने देखा किस तरीके से जो है अलवर की मंदिर, शिव मंदिर को, मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने आप शिव भक्त कहने वाले, अपने आप को जनेऊधारी कहने वाले राहुल गांधी जी कहाँ गए? अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। अब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ करौली में हिंसा हुई, करौली के हिंसा के जो अपराधी है अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। करौली हिंसा जब हुई थी तो उस समय जो है इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें जो है केंद्र के बड़े नेता है उनका जो है हाथ है, बड़े नेता है वही सब दंगा करा रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चहेते जो अपराधी था वो आपका चहेता था, आपके साथ उसके कितने फोटो वीडियो वायरल हुए और आप जो है उसको अभी पकड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। और जब हिंसा होती है तो आप कहते हैं कि भाई प्रदेश नहीं केंद्र के नेता इसमें जिम्मेदार है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ आज जिस तरीके से मंदिर को सुबह जो है बुलडोजर से ढहाया गया, मैं कहना चाहता हूँ स्वाती जी, अगर ये मंदिर के जगह पे कोई और हुआ होता ना तो ये लोग टेररिज्म के नाम पर पहुंच गए होते। आपने देखा किस तरीके से जहांगीरपुरी में जब एक अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को तोड़ा गया तो उनको लगा कि समुदाय के साथ जो है नाइंसाफी किया गया, टेररिज्म के नाम पे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़ा गया तो वहां पे पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान के अलवर में जो है मंदिर तोड़ी गई है, शिव मंदिर, शिव जी के लिंग पे, शिवलिंग पे जो है इन्होंने जो है कटर लगाकर शिवलिंग जी को तोड़ा है, बहुत दर्द होता है हिंदुओं को देखकर, बहुत दर्द होता है। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को मैं ट्वीट किया हूँ अपने ट्विटर हैंडल से। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति, इस तरीके की तानाशाही की राजनीति कांग्रेस करना बंद करे और हिंदुओं की आस्था को के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है तुरंत उसी जगह पे जो है मंदिर बनाकर, भव्य मंदिर बनाकर और हमारी आस्था को दोबारा लौटाने का प्रयास करें। जी
ठीक है, ठीक है विमल जी। डॉक्टर वरुण जी, यही सवाल आपसे कि बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये सब किया है। स्वाति जी, सबसे पहले आपको साधुवाद। आपने शुरुआत में कहा कि बुलडोजर संविधान से ऊपर हो गया है क्या? मैं आपको इस सेंटेंस के लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने संविधान से ऊपर बुलडोजर को माना, संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक वैल्यूज को जो सर्वनाश कर रहे हैं, ये बीजेपी का बुलडोजर कर रहा है। कलयुग के अंदर लोकतंत्र के ऊपर मूर्ख तंत्र का राज है, वहां पर बीजेपी का बोर्ड है। बीजेपी, मेरी रेजोनेट हो रही है आवाज? हेलो जी वरुण जी, बोलिए। बीजेपी का बोर्ड है वहां पर जी। पूंजीवाद प्रवर्तक सरकार बुलडोजर से गरीबों के घर तोड़ रही, किसानों को गाड़ियों से रौंद रही। इनका नया जो नारा है वो भगवान का नाम और शैतान का काम। आजकल ये शैतान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मुझे बताइए, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की और नगर पालिका जो है, अगर इनमें इन्होंने नहीं तोड़ा है, वो तो जांच से सामने आ जाएगा। सारे प्रस्ताव नगर परिषद के पास किए हुए। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देती इनकी नगर परिषद? 3 दिन से क्या कर रही? 17 तारीख का एपिसोड है, प्रकरण है। ये क्या कर रहे थे 17 तारीख तक? ये करौली का दंगा हो चाहे अलवर का प्रकरण हो, ये जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां जहां चुनाव आने वाले हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, देश को बेचने से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपना रहे। आप मत ये बताइए महंगाई पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते? सिलेंडर लेके डांस करते थे दिल्ली में, आज ये बोलना नहीं चाह रहे महंगाई के ऊपर। आज मंदिरों का जो आज इन्होंने बात करी है, छोटी चौपड़ जयपुर में प्राचीन मंदिर था, प्राचीन पत्थर था काला, वसुंधरा जी के राज में उसको डेमोलिश किया गया, उसके साथ छोटे छोटे मंदिर डेमोलिश किए गए। जनता ने आंदोलन किया और उसको बनाना पड़ा। लेकिन मैं आज आपको खुलासा कर रहा हूं, आप चैनल वाले इस पे ध्यान देना, वो काला जो प्राचीन पत्थर था हजारों साल पुराना, वो गायब है। उसकी जगह करौली का पिंक कलर का इन्होंने मंदिर दोबारा बनाया। वो पत्थर कहां गया? उन पत्थरों का घोटाला कहां है, ये आप पता करिए भारतीय जनता पार्टी से। वाराणसी में कॉरिडोर के नाम से कितने मंदिरों को ढहाया है इन्होंने, मीडिया ने कितने वीडियो, कितने चित्र दिखाए, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्राचीन मंदिरों का जो पत्थर है उनको गायब करने का कोई इनका प्लान है, और उसके सहारे से एक निकृष्टता, ऐसी निकृष्टता जिसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। चुनाव जीतने के लिए मंदिरों को खुद ही राक्षस रूपी सरकार तोड़ रही है। इनकी सरकार है पूरे देश में। अभी जहांगीरपुरी का एग्जाम्पल दे दिया, एमसीडी में यही, केंद्र सरकार में यही, प्रशासन, गृह मंत्रालय इनका, फिर ये कैसे तोड़ दिया इन्होंने? वहां भी तो एक पूजा स्थल तोड़ा एनक्रोचमेंट के नाम पर। ये पूरे देश में स्वाति जी एक ऐसा कलर करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, और महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण जो देश को बेच रहे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको। अगर धर्म को राजनीति में लाना है, भगवान का नाम लेके शैतान जिंदाबाद करना है, करिए। लेकिन आप कम से कम बेरोजगारी, महंगाई, उस पर भी तो ध्यान आकर्षित कीजिए। इतनी क्या निकृष्टता है, इतनी क्या सत्ता की लालसा है आपको कि खुद ही मंदिर तोड़ते हो और फिर दूसरों पर आरोप लगाते हो। आप इनसे वाराणसी, जयपुर के छोटी चौपड़ और अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप बताइए, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अतिक्रमण के नाम पे जो पटरियों पे या सड़कों पे मंदिर साइडों बने हुए थे, वो सब इन्होंने साफ किए कि नहीं? इनसे जवाब लीजिए आप। और मैं आपका फिर साधुवाद देता हूं, आपने संविधान और बुलडोजर की इनकी जो कार्रवाई देश में कर रहे हैं, इन्होंने शुरू किया बुलडोजर, इन्हीं का नाम बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा हुआ है। आपने उसको संविधान को रौंदने का जो इन्होंने काम किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूं अपने शुरुआत की उससे। इनसे जवाब लीजिए, छोटी चौपड़ जयपुर का लीजिए, वाराणसी का लीजिए, गुजरात का लीजिए, और अलवर में भी इन्हीं की नगर पालिका है। ठीक है वरुण जी, विमल जी से ही जवाब ले लेते हैं। विमल जी, पहला तो सवाल ये कि जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा था उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए बुलडोजर की नई कार्रवाई शुरू कर दी, और ये रास्ता तो आप लोगों ने दिखाया ना, बुलडोजर किसे, इंसाफ का रास्ता आप लोगों ने दिखाया। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, फिर दिल्ली हमने देखा, जहांगीरपुरी में, अब राजस्थान में हो गया, तो क्या दिक्कत हो रही है? अब मैं बता देना चाहता हूँ साथी जी, देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में परफेक्शन लागू है। परफेक्शन के साथ ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उससे उसकी रिकवरी की जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए स्वाति जी कि वहां पे राजस्थान में सरकार किसकी है? राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री है वहां के। अब मैं जो है विधायक, इनके एक विधायक है जौहरी लाल मीणा जी, उनका वीडियो साफ वायरल हो रहा है, और नहीं भी होगा हमारे कांग्रेस मित्र के पास तो मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लेंगे।
उन्होंने कहा था कि जब स्थानीय नागरिक उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था सर जी देखिए हमारा जो मंदिर है जो 300 साल पुराना शिव मंदिर है, हम वहाँ पे उस शिव मंदिर से हमारी आस्था है, हम प्रतिदिन जो है वहाँ पे जल जो है चढ़ाने जाते हैं, उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसको आप रुकवाइए। तो उनका पता है क्या बयान था, उनका ये बयान था स्थानीय नागरिक बताया जवाहरीलाल मीणा ने मन से कहा था कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता, अब बबूल का पेड़ बोया तो आम कहां से खाओगे, आपको 24 घंटे का समय दिया है, आप 34 पार्षदों को मेरे घर लेकर आओ, कार्रवाई रुक जाएगी नहीं तो मैं कार्रवाई नहीं रोक पाऊंगा। विधायक के इस बयान से वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वहां पे सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता इस पे मौन है। आपने देखा किस तरीके से खड़गौन में जो है अगर कोई अगर दंगाई है और अगर जहांगीरपुरी में अगर कोई जो है अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो ये लोग टेररिज्म के नाम से कहते हैं कि नहीं भाई अब ये किसी जो है धर्म के साथ जो है अन्याय हो रहा है। जबकि आपको देखा जहांगीरपुरी में स्वाति जी कि वहां पे जो है झा जी का भी मकान तोड़ा गया, आपने देखा कि हिंदू का भी वहां पे जो है मकान तोड़ा गया, मुस्लिम भाइयों का भी मकान तोड़ा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोग टेररिज्म की राजनीति करते हैं, शुरू से ये करते हुए हैं। और आपने देखा किस तरीके से करौली हिंसा हुई, करौली हिंसा में जो है अभी तक जो मेन मुख्य आरोपी वो पकड़ा नहीं गया है, दंगा इनसे नहीं रुकने वाला है। और जहां भारतीय जनता पार्टी कानून को देखते ही कार्रवाई करती है, चाहे हम बात करें जहांगीरपुरी की, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इनको चोट इनको दर्द होता है, इनको चोट होता है जी। अगर इसके जगह पे मंदिर के जगह पे अगर कोई और चाहे मस्जिद होता है या किसी और आस्था से जुड़ी हुई मंदिर या किसी और चीज का रहता तो ये लोग को दर्द होता है, ये लोग सामने आते हैं टेक्नोलिज्म के नाम से पता नहीं अभी तक क्या क्या हो गया होता जी। लेकिन विमल जी जहांगीरपुरी में तो हमने देखा नोटिस भी नहीं दिए गए थे, उसके बाद भी बुलडोजर चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया, उसके बाद भी एक घंटे तक कार्रवाई चलती रही और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, ये पूरे देश ने देखा है। तो आप जहांगीरपुरी का तो नाम मत लीजिए, लेकिन सवाल ये है देखिए ये ऐसा लग रहा है कि होड़ लग रही है कि कांग्रेस का बुलडोजर कितने अवैध निर्माणों को ढाएगा, बीजेपी का बुलडोजर कितने अवैध निर्माणों को गिराएगा, ये ऐसा लग रहा है कि रेस चल रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में। साथी जी देखिए जहांगीरपुरी की अगर बात करती है तो जहांगीरपुरी में पहली बार इस साल में बुलडोजर नहीं चला है, जहांगीरपुरी में उसी जगह पे 11 अप्रैल को भी जो है बुलडोजर चलाया गया था नॉर्थ एनसीडी की तरफ से, इसके साथ साथ इस साल में पांचवी बार वहां पे जो है बुलडोजर चलाया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार नोटिस दिया गया है और उसका सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको देख ली भाई, सुप्रीम कोर्ट को तो हम जवाब देंगे ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रोक नहीं लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट तो कहती है भाई कि अवैध निर्माण है, अगर कोई अतिक्रमण करके रखा है तो उसको तोड़िए भाई, अगर कोई भी कल जो है कोई भी आके अगर NH-24 में बैठ जाए तो अगर आप अतिक्रमण कर ले अवैध निर्माण कर ले तो गलत बात है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने या नॉर्थ एनसीडी ने वहां पे जो काम किया कानून में रहते हुए कानून के दायरे में अपने जो काम किया जी। लेकिन सवाल ये है देखिए मैं ये सवाल भी दोनों से ही करना चाहूंगी कि सिर्फ बुलडोजर से ही कार्रवाई क्यों, इससे पहले भी तो कार्रवाई होती थी, क्या कोई और रास्ता नहीं है, उन जगहों को सील कर दिया जाए, नोटिस दिया जाए, सिर्फ बुलडोजर ही क्यों? कांग्रेस के पास एक रास्ता मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, अपने चैनल से एक बार दिखा दीजिएगा, देखिए किस तरीके से जो है मंदिर को तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से जो है कटर लगाकर जो है शिवलिंग को काटा जा रहा है, कितना दर्द हुआ होगा हिंदुओं को आप देख सकती हैं, मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, साथी जी अपने चैनल पर जरूर दिखाइए, वहां पे कट्टर से शिवलिंग को काटा जा रहा है, क्योंकि तो हिंदू हमारे हिंदू समुदाय के जो लोग जो परिवार वहां पे जल डालने जा रहा है उसको कितना दर्द हो रहा होगा, कट्टर से जो है मशीन ग्राइंडर लगा के उसको काटा जा रहा है जी। विमल जी ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं ये हम देख चुके हैं और इससे पहले जो जहांगीरपुरी में हुआ वो भी हम देख चुके हैं, तमाम जगह पे हुआ वो तस्वीरें भी हमने देखी है, तो आप ये वीडियो मत दिखाइए। वरुण जी जी बोलिए, आप देखिए शिवलिंग हिंदुओं की आस्था पे खिलवाड़ हो रहा है और वहाँ की आप बात नहीं करें कि वहाँ पे जो है शिवलिंग को कट्टर से काटा जा रहा है। ठीक है विमल जी लौटूंगी आपके पास, वरुण जी बोलिए। स्वाति जी ना तो इन्होंने जयपुर की छोटी चौपड़ पे वसुंधरा सरकार की बात करी, ना इन्होंने वाराणसी की बात करी, कितने दर्द दर्द कर रहे हैं। अभी आप 300 साल कह रहे हो, वाराणसी तो हमारे जब पृथ्वी का पिछला प्रलय आया था उसके बाद की नगरी है, हजारों करोड़ों साल पुरानी नगरी, वहाँ कितने इन्होंने मंदिर ढहा दिए,
कॉरिडोर के नाम पे और उसका संचालन दिया विदेशी कंपनी को, उस पर इनके मुंह में दही जम जाता है। अब छोटी चौपड़ की बात मैंने की, एक शब्द नहीं बोल रहे। जहां तक अतिक्रमण की बात है, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और न्यायपालिका में विश्वास करती है। एक जौहरी बाजार भी है वहां, ऐतिहासिक जगह जयपुर में, सारी दुनिया जाके देख के आती है। वहां दुकानदारों ने बरामदे कब्जे कर लिए थे, बंद कर दिया था रास्ता, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बरामदे खाली कराए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे आ गए, हम खाली नहीं करने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही नहीं मानते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने के बाद अगर आप उस पर जहांगीरगिरी पे कोई स्टेटमेंट दे रहे हो अपना, दैट इज रॉन्ग। अब जहां तक आप एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हो, मैंने दो दिन पहले भी चैनल्स पे उठाई थी बात, ये एक जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार इनकी, एमसीडी इनकी, गृह मंत्रालय इनका। आप मुझे बताइए, 8 साल में एनक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाए गए? उसके अलावा जो एनक्रोचमेंट अधिकारी करवाते हैं, एक भी अधिकारी का घर तोड़ा क्या? एक को भी सजा दी क्या? पहले आप उस अधिकारी को सजा दीजिए जिसने गरीबों से एनक्रोचमेंट करा के पेट काट के उन्होंने घर बनाया। अब आप उनका घर गिरा दोगे तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई? पहले उन पे कार्रवाई करो, फिर आप बात करो उनकी, दूसरों की। लेकिन इनको क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण जो देश को बेचना है, उससे ध्यान भटकाना है। हिंदू मुस्लिम कर दो, लोगों को पागल बनाते रहो, और इस पे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें करो। मैंने आपको, मैंने करौली दंगों के टाइम भी बोला, इनका पूर्व नगर का जो वहां का करौली परिषद का अध्यक्ष है बीजेपी का, जो था पूर्व, वो उसका आरोपी है। ये खुद का नाम नहीं लेते, ये पूरे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां भी चुनाव होना है, इस प्रकार की हरकतें पूरे साल भर करेंगे चुनाव होने तक, आप ये मान के चलिएगा। और ये कोई तरीका नहीं होता। आप न्याय, यहाँ पर जुडिशरी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की स्वाति जी शुरुआत में ही, यहाँ पे संविधानिक व्यवस्थाएं हैं, जुडिशरी है, न्यायिक प्रक्रिया अपनाइए आप। आपने घर तोड़े खरगोन में, क्या न्यायिक प्रक्रिया अपनाई? अगर 24 घंटे में अगर आपने अपना लिए दावा करते हैं, तो जो गैंगरेप होते हैं, रेप होते हैं, उसमें क्यों नहीं 24 घंटे में आप कर लेते हो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया? उन गैंग रेपिस्ट की क्यों नहीं पूरे देश में कानून बनाते हो कि गैंग रेपिस्टों को 24 घंटे में हम फांसी दे देंगे, उनके घर तोड़ देंगे? लेकिन आप किसी भी, अगर दोषी का घर तोड़ते हो, कोई दंगाई का घर तोड़ते हो, तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग, उनका क्या इंतजाम करते हो? तो ये इनके अंदर मानवता नहीं है। जब भी मैंने कहा था इनका नाम भगवान का, काम शैतान का, आज इनका नारा है वर्तमान बीजेपी का, मैं अटल जी अडवाणी जी के युग की बात नहीं कर रहा हूं, आज इनका नारा है शैतान जिंदाबाद, और ये नाम ले रहे भगवान का और खुद मंदिर तोड़ रहे हैं, नाम लगा रहे हैं कांग्रेस का। तो जनता को ये समझना होगा कि सत्ता की लालसा, सत्ता की भूख में ये भगवान को पहले तो बेचते थे, भगवान के मंदिर तोड़ रहे, नाम लगा रहे कांग्रेस का। अरे बोर्ड आपका है, 17 अप्रैल की घटना है, इस्तीफा क्यों नहीं दिया उस दिन आपके पार्षदों ने? 35 में से 34 इनके पार्षद है, दे देते इस्तीफा, ऐसी क्या सत्ता का मोह था आपको? करते 17 तारीख से ये आंदोलन, बीच में बोलेंगे मैंने से नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप पहले उनको पूरा करने दीजिए अपना जवाब, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। जी बोलिए वरुण जी। हेलो जी, बोलिए वरुण जी, आवाज आ रही मेरी? जी वरुण जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बीच बीच में इंटरप्ट करना, आप देख लीजिए ज्यादातर डिबेट्स में इनके जो कुछ प्रवक्ता तो बड़े सद्भावी और अच्छे हैं, बाकी इनकी संस्कृति आज की है कि दूसरे को बोलने नहीं दो, हल्ला मचाने लग जाओ कोई भी बात पे, ऐसा जैसे राक्षसी नाच होता है वैसे करते हैं। जब महंगाई पे ये दिल्ली में कर रहे थे सिलेंडरों को ले ले करके, उसके बाद 8 साल हो गए, कितनी महंगाई हो गई, आम आदमी का जीना आराम हो गया, रोट बच्चों के पेट काट के लोगों का घर चल रहा है, तो पेपरों ने छापा, मीडिया ने, इन लोगों ने अपने घर पे, घर का बजट 75% कर दिया, उसके बावजूद इन पे असर नहीं हो रहा। इनकी खुद की जहां जहां सरकारें वहां ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो अगर अशोक गहलोत की सरकार दोषी है, तो शिवराज चौहान की सरकार भी दोषी है, योगी आदित्यनाथ की दोषी है, गुजरात की सरकार दोषी है, और गृह मंत्री अमित शाह और मोदी दोषी है अगर दिल्ली में कोई घटना होती है, तो इस बात पे आप यूनिवर्सल बात क्यों नहीं करते हो? ठीक है वरुण जी, चुनाव लड़ने तक ऐसी मूर्ख तंत्र का प्रचार करेंगे? जवाब से ले लेते हैं एक बार, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी इस चर्चा को खत्म करेंगे। विमल जी बोलिए। जी मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता भी है। आपका एक ऐसा बच्चा है ना जिसको बोलने नहीं आता है, उसको सबसे पहले सिखाई हो रहा, आज बच्चा दिखाई भी नहीं दे रहा है, आज ना उसका ट्वीट दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। माफी चाहूंगा इस बच्चा कहने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है सेक्युलरिज्म की राजनीति जो है कांग्रेस शुरू से करते हुए आई है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है,
हमेशा सोचता रहा। और रही बात की वाराणसी और काशी की बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भव्य मंदिर बनाया गया है काशी कॉरिडोर, वहाँ पे आप जाइए जरूर, कांग्रेस के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं आप जाइए जरूर वहाँ का, वहाँ के लोगों से मिलिए और वहाँ के लोगों से पूछिए कि कहाँ पे एक भी मंदिर तोड़ा गया है और कहाँ पे एक भी मस्जिद तोड़ा गया है, ना एक मंदिर तोड़ा गया ना एक मस्जिद तोड़ा गया है। और काशी कॉरिडोर इतना भव्य बनाया गया है और वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता इस कॉरिडोर से काफी खुश है। आपने देखा किस तरीके से चुनाव में जो है जनता खुद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है बड़ाई करते हुए दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा था कि जो काशी आज जाके देखिए, मैं 2019 में वाराणसी में गया था, उसके बाद से मैं जो है अभी 2022 में गया था, काशी में जो विकास हुआ है, जो विकास रूपी जो गंगा बही है ना, वो वहाँ की जनता से जाकर पूछ लीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मकसूद आलम जो ये करौली हिंसा का मतलूब अहमद जो करौली हिंसा का मुख्य आरोपी था, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। राजस्थान की सरकार ने अभी तक उसके ऊपर इनाम घोषित नहीं किया। 9 वर्ष के दिन जो है हिंदू भाइयों के ऊपर जो है पथराव हुआ, उनको मारा गया, उसका मुख्य आरोपी जो है फरार है, उनके ऊपर ना इनाम घोषित किया गया ना पकड़ा गया, न इस पर किसी प्रकार का कोई जवाब जो है आपकी राजस्थान की सरकार देने के लिए तैयार है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि भाई उनके माननीय अशोक गहलोत जी के बहुत करीबी बताया जाता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप तो सक्षम है नहीं, और तो भारतीय जनता पार्टी कानून में रहते हुए अगर कोई भी कार्रवाई कर रही है तो आप सेक्युलरिज्म के नाम पे वहां से दर्द मारते चले जा रहे हैं। भाई साहब आप एक भी जो है कांग्रेस के एक भी नेता वहां पहुंचे हैं अलवर में जहां मंदिर टूटा है, ठीक है विमल जी। वरुण जी देखिए सवाल ये कि जहांगीरपुरी में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, हिंसा हुई, आपने उसको कहा कि बुलडोजर को आप संविधान के खिलाफ बता रहे थे, अब सवाल ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर अब जो राजस्थान में हुआ क्या बुलडोजर संविधान के साथ हो गया क्या, और साथ ही साथ ये भी कि वहां पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, अब यहाँ पर आप पहुंचेंगे आप जाएंगे यहाँ पे अलवर में जो हुआ। और एक और सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए कि ये जो हुआ आज अलवर में ये गलत था या नहीं था। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कानून संगत कोई भी काम हो वो गई सही और गलत जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, न्याय प्रक्रिया देश में। राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने, राजस्थान सरकार ने और वहां के कलेक्टर ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है, उसको ये सुनना नहीं चाहते। इनकी नगर परिषद ने वो प्रस्ताव पास किया है, उस पर क्या बोलेंगे उस पर नहीं बोल रहे, वसुंधरा जी ने क्या किया उस पर नहीं बोल रहे, हर बात को एक डाइवर्जन करना चाहते हैं। हमारी सरकार है, डेलीगेशन क्यों जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री ने आज टीवी चैनल पे डिक्लेयर किया इस बात को, और आप देखिएगा उसकी जांच होगी, जो जो दोषी होगा चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे प्रशासन हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अतिक्रमण जो हटाया गया है, कलेक्टर का स्पष्टीकरण अभी आया है जिला कलेक्टर का कि मुनादी की गई थी 2 दिन पहले, उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसके बाद रोड चौड़ी करने को, अब पार्ट ऑफ टेम्पल, उसका गर्भगृह नहीं हटाया, उनको नहीं हटाया भगवान के गर्भगृह को, पार्ट ऑफ टेम्पल को हटा करके उसमें रोड चौड़ी की गई। तो स्थानीय नागरिक क्यों नहीं 17 तारीख तक इनको क्यों नहीं ध्यान आया भाई, इनके 34 पार्षद उनके प्रस्ताव से पास हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल पालिका परिषद जहां भी होती है वो लोकल बॉडीज उसको गवर्न करती हैं, तो लोकल बॉडी इनकी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। अगर इनकी लोकल बॉडी को ऑब्जेक्शन था तो इन्होंने प्रस्ताव क्यों पारित किया, और ऑब्जेक्शन था तो 17 तारीख को मान लीजिए राज्य सरकार नहीं सुन रही, 17 तारीख को भी बैठ जाते धरने पे, देते इस्तीफा। आज मीडिया ने जब उसको दिखाया उसके बाद इनकी आंखें चेत रही। तो ये पूरे देश में इस प्रकार की कार्यवाही, मैंने कहा महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारी महंगाई उच्चतम स्तर पे है, क्या हालत हो गई है, 400 किलो नींबू, 100 रुपए टिंडा, 70-80 रुपए भिंडी, इनको पता नहीं है खेती बाड़ी क्या होती है। इस सीजन में भिंडी टिंडा टमाटर सबसे सस्ता हो जाता है, सुबह 10-11 बजे तक तो किसान बेचने को, मैंने खेती करी, वो किसान टोकरे बेचने को परेशान हो जाता है, आधी रेट में नहीं बिकता है। तो आज कैसे हो रहा है महंगी महंगी सब्जियां, आप पूछिए इनसे, आम आदमी की जो रोटी रोजी है समय नहीं वो हो नहीं रही है, रोटी नहीं मिल रही, रोजी नहीं मिल रही। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, विमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए इससे पहले जहांगीरपुर और अब देखिए अलवर, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि अलवर में जो हुआ वो कांग्रेस की तरफ से किया गया या फिर बीजेपी की तरफ से किया गया। हालांकि देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इसी के साथ ही इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। The cat sat on the mat.
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।